और देखिए यहाँ पे 30 फुट के ऊपर लगा हुआ है मेरा डिवाइस। तो कैसे हो आप? तो मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो है एक और कनेक्शन के लिए, जैसे मैंने बताया था, आज एक और कनेक्शन के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पे P2P कनेक्शन है, तो वहाँ डिवाइस एक अपने टावर पे लगा रहे हैं और एक लगाएंगे वहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी डिवाइस, ये TP-Link की डिवाइस ये लग रही है। ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि तो ये डिवाइस जो है लगेगी, और जो है यहाँ लगेगी, एक वहाँ लगेगी। तो यहाँ पे भी मेरी केबल, ये देखिए Cat6 हाई कैपेसिटी वाली केबल जो है मेरी जो है यहाँ पे लगी है। और यहाँ से देखिए हम अभी जोड़ के अब आपको दिखाते हैं और फिर वहाँ लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो भाई लोगों जो है मेरी जो है डिवाइस वहाँ पे कसी जाएगी अभी, वहाँ लड़का चढ़ रहा है तो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे लड़का चढ़ता है। दोस्तों हमारी डिवाइस ऊपर लग चुकी है और वो लास्ट में ऊपर लगी है, और अभी हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ दूसरा पॉइंट लगने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक दिखाते हैं वहाँ क्या करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे डिवाइस लगाने के लिए, और यहाँ पे हमारी ये देखिए ये डिवाइस यहाँ पे लग रही है और पूरा लंबा सा पाइप है, पाइप जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी तक पाइप जो है बिछा हुआ है। और यहाँ पे डिवाइस लगा के अब आपको दिखाते हैं कि केबल एवल सब रखी है, और दिखाएंगे आपको कि आगे उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो में। और भाई लोगों जो है ठंडा भी आ गया है और धूप भी ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ा स्ट्रिंग थोड़ा पावर आवर लेके जो है काम किया जाए। तो अभी पावर ले लें, थोड़ा चार्ज हो जाए, उसके बाद जो है हम लोग काम करेंगे। दोस्तों मेरा जो है यहाँ पे पाइप चल चुका है, और देखिए यहाँ पे 30 फुट के ऊपर लगा हुआ है मेरा डिवाइस, और यहाँ पे जो है हटो, अब यहाँ पे जो है अलग तरीके से जो है जाम हुआ है, और इधर उधर चारों तरफ तार लगाए हुए हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे आगे चल के जो है नीचे क्या प्रोसेस चलता है। और यहाँ पे मेरी डिवाइस पूरी तरह लग चुकी है, और अभी इसको वायर को नीचे ले जाना है, और जो है अभी दिखाते हैं हम आपको आगे आगे क्या होता है, बने रहिए लास्ट तक। तो भाई लोगों कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, फिर भी डिवाइस मेरी कनेक्ट नहीं हुई, और आज भी अभी देख रहे हैं डिवाइस कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। और मेरे ये सिस्टम पे देख रहे हैं डिवाइस है, सिग्नल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो वो डिवाइस मेरी कनेक्ट नहीं थी। आज फिर से देखते हैं क्या उसमें हो रहा है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों जो है काफ़ी मेहनत के बाद जो है हमारा नेट यहाँ पर लग चुका है, और नेट लगने के बाद जो है थोड़ी स्पीड थोड़ा अच्छी आ रही है, और आखिरकार जो है मेहनत रंग लाई। और हम आपको दिखाते हैं कैसा क्या नेट चल रहा है, और दिखाते हैं दोस्तों जो है हमारा जो है यहाँ पे नेट स्पीडोमीटर चालू होने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या स्पीड आ रही है। भाई लोगों जो है यहाँ पे आपको दिखाया मैंने कि नेट कैसा चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ फिलहाल अच्छा चल रहा है, गांव देहात में सही चल सकता है नेट। और जो है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इस भाई से पूछते हैं कि भाई नेट चल रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा भाई, इन्हीं भाई का नेट लगने को था, तो आज मैंने यहाँ पर लगा दिया। 4-5 दिन बाद जो है पूरा 4 दिन लगातार आने के बाद जो है आज नेट चालू हो पाया है, और वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है कि हम आपको पूरा अपलोड करके दिखाएंगे। और जो है इन भाई से पूछते हैं कि 4-5 दिन बहुत मेहनत पड़ी कि नहीं पड़ी? बहुत ज़्यादा, इतने दिन मेहनत करने के बावजूद आज मुझे बहुत ही सफलता मिल पाई है, बहुत दिन बाद जो है सफलता यहाँ पे मिली है। और ये भाई जो है नबीगंज के पास तिलियानी में जो है ये बैंक चलाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, और जो है यहाँ पे ये लोन ऑन का काम करते हैं। अभी ये बच्चे का अकाउंट वगैरह खोल रहे हैं, और यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है आज मेरा नेट चालू हो गया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, हम लोगों ने कितनी मेहनत की, मैंने आपको फुल दिखाया। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इतनी मेहनत करने के बाद आप जो वीडियो डालते हैं ना, वो आप लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए। तो जय हिंद, जय भारत।